नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। 28 मार्च फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स और लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में अपने घोषित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिव मूर्ति चौक पर सभी प्रस्तावित 15 वेडिंग जोन के लघु व्यापारियों के प्रतिनिधि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर भारी संख्या में इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए नजर आए। नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर आयुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना को सौंपा। लघु व्यापारियों ने मांगों को दोहराया। चलती फिरती के रेडी फेरी के लघु व्यापारियों को पुलिसिया उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से लाइसेंस व परिचय पत्र उपलब्ध कराकर रंग कार्ड के साथ व्यवस्थित व संरक्षित किया जाए। न्यूज 21 के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट। मांगों को लेकर आज हमने जो है नगर आयुक्त महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, क्योंकि वो आज छुट्टी पे हैं, तो उनकी अनुपस्थिति के अंदर जो हमारी कर अधीक्षक हैं सुनीता सक्सेना जी, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया है, हमारी बात को सुना है और हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं उसमें, जिसमें सर्वप्रथम जो हमारे वेंडिंग जोन जिनके सर्वे हो चुके हैं उनमें स्थापन की कार्रवाई हो, और हमारे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हरकी पौड़ी इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जो चलती फिरती ठेली के हमारे जो लघु व्यापारी हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, और जो हमारा स्मार्ट वेंडिंग जोन कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि 1 तारीख से जो है किराए का आदान प्रदान होना है, उससे पहले कि किराए का आदान प्रदान हो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, सफाई है, सीसीटीवी कैमरे है, वो सब लोग वो सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि जब भी हम किराया देंगे जब हमें सुविधाएं मिलेंगी। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो हमारी प्रमुख मांगे थी आज हमने उनको सौंपने का काम किया है, और कल मुझे एमएनए साहब ने आमंत्रित किया है कि जो हरिद्वार की रेडी पटरी वालों की समस्याएं हैं उनके निदान के लिए वार्तालाप की जाएगी, और वार्तालाप कर तमाम रेडी पटरी वालों की जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के संरक्षण में राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार जो भी इनके लिए भला हो सकता है, जो भी इनकी मदद हो सकती है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और निश्चित रूप से हमने ये भी मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र जो है टीवीसी की बैठक आहूत की जाए, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार से हमें काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि धावी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार रोजगार पर भी उनका फोकस था, और आगे भी मैं समझता हूं कि जो उनका कार्यकाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड़ी पटरी वालों को सरकार की ओर से संरक्षण दे सके, ऐसी हमारे को उम्मीद है। उन सभी बातों को लेकर आज हमने जो है अपना मेमोरेंडम दिया है, और आगे भी हम लोग अपनी जो न्याय संगत मांगे हैं उसके लिए यदि अगर वो क्रियान्वयन होती हैं तो स्वागत करेंगे, यदि अगर वो क्रियान्वयन नहीं होती तो हम अपनी मांगों को पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद।